निकासी विभाग 24 घंटे के अंदर में सिस्टम सुधार ना हो गए तो 25वां घंटे के अंदर में धारणा तो बैठ जाए जा पहले बता देता हूँ। हमने सारी आदमी यहाँ से सब कुछ जानता अपने गाड़ी से भाड़ा को देखा आएगा भाई टेम्पू से क्या है कि आप रखा है एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में यहाँ पर अरे आप यहाँ से एम्बुलेंस आप बाइक के पेड़ से टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी बेतिया रेफर। डॉक्टर कमरू जमा ने कहा दोनों जख्मी युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया किया गया रेफर। नागेंद्र मौर्य राजद नेता सह उप मुखिया ने कहा रेफरल अस्पताल गौनाहा में एम्बुलेंस का घोर अभाव, 24 घंटे में व्यवस्था में सुधार नहीं तो होगा जन आंदोलन। News 9 Times पश्चिमी चंपारण गौनाहा से आसिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत मंगुराहा गांव में तेज गति के कारण बाइक के पेड़ से टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से हुए जख्मी। घटना को लेकर बताया जाता है कि शुक्रवार को 9:30 बजे दिन में मंगुराहा गांव निवासी ग्रहण पासवान के पुत्र प्रकाश पासवान 20 वर्ष और शेख हिस्सा के पुत्र शेख सुल्तान 21 वर्ष अपने घर मंगुराहा से गौनाहा बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास सड़क में हल्का मोड़ पर बाइक की गति तेज होने के कारण बाइक असंतुलित हो गई और पेड़ से जा टकराई। इस वजह से दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसपास के ग्रामीणों द्वारा आनन-फानन में दोनों को रेफरल अस्पताल गौनाहा लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को बेतिया रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर कमरू जमा ने बताया कि दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, दोनों के कान से ब्लीडिंग हो रहा था, इस वजह से दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है। वहीं राजद नेता सह गौनाहा पंचायत के उप मुखिया नागेंद्र मौर्य ने बताया कि गौनाहा अस्पताल में एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं होने पर घायलों को घंटों गौनाहा अस्पताल में ही रहना पड़ा। News 9 Times मेडिकल ऑफिसर अभी हम लोग जस्ट 8 मरीज ऑपरेशन हुआ था उसका डिस्चार्ज कर रहे थे। अब मरीज को हम लोग शिफ्ट कर रहे थे घर जाने के लिए एम्बुलेंस से, तब तक दो सीरियस एक्सीडेंट आया उसमें हेड इंजरी है, दोनों के हेड इंजरी एक का ज़्यादा है एक का थोड़ा सा कम है, लेकिन दोनों को सिटुएशन करना पड़ा उसमें हम लोग रेफर किया उसको दे दिया। जितना मेडिकेशन है अवेलेबल है उसे हम लोग सब दिया है, वाइटल तो मेंटेन किए हैं, बाकी एम्बुलेंस गया है मरीज को छोड़ने आएगा तो पेशेंट लोगों का नाम सर पेशेंट का नाम है एक का है प्रकाश पासवान और उसका पिता का नाम है स्वर्गीय ग्रहण पासवान, घर है मंगुराहा। दूसरा मरीज का नाम है सुल्तान शेख, बाप का नाम ईसा मियाँ, इसका मंगुराहा घर है। इसको थोड़ा कम लगा है लेकिन हेड इंजरी इसको भी है, दोनों का नाक कान से ब्लीडिंग हो रहा है, मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है। तो अभी तो एम्बुलेंस अब गया छोड़ने के लिए मरीज को, जो ब्लीडिंग बस पेशेंट है जो डिस्चार्ज हुआ है लेबर रूम से रात को जो मरीज था उसको छोड़ने के लिए गया है, एक दो एम्बुलेंस जो खराब है ताकि जितना फर्स्ट एड देना था हमारे पास उतना हम लोग सब दे चुके। फर्स्ट एड में तो हमारे पास सब कुछ है, अब ICU की अवेलेबल ICU की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है और CTS का अवेलेबल नहीं है तो भेज रहे हैं इसको।